अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग ये वाला फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपना वीएस कोड के अंदर और मैं छोटा कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम नई फाइल ओपन करेंगे। मैं सेव करता हूँ फाइल को जो पीसी में। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाएंगे तो इंडेक्स HTML, देखते हैं हम कितनी हद तक जो इसको सेम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पर हम करते हैं फाइल लिंक का टैग ओपन और यहाँ पे देखता हूँ स्टाइल CSS। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करें और जो है इस पर क्लिक करें। आप लिंक के ऊपर फाइल न्यू क्रिएट का ऑप्शन देगा और आपकी फाइल सेव हो चुकी है। ठीक हो गया, और यहाँ पर हम जो है वो हेडिंग और पैराग्राफ देंगे और यहाँ पे जो है हम अपना सेक्शन ले लेते हैं। सेक्शन के अंदर जो हम अपना हेडिंग ले लेते हैं, गेट फ्री ईमेल अपडेट्स, गेट फ्री ईमेल अपडेट्स। ठीक है, और पैराग्राफ ओपन कर लेंगे, ज्वाइन अस फॉर फ्री टू गेट इंस्टेंट ईमेल अपडेट्स, ज्वाइन अस फॉर फ्री टू गेट इंस्टेंट ईमेल अपडेट्स। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने बनाना शुरू करना है अपना फॉर्म। फॉर्म ओपन कर लेते हैं, एक्शन इंडेक्स डॉट PHP कुछ भी ले सकते हैं, अभी ब्लैंक ही छोड़ते हैं इसको। ठीक है, अब मैं चाहिए देख रहे फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस, तो इनपुट की फील्ड ओपन करेंगे, फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस हम लेंगे अब। ठीक है, टाइप इसकी जाएगी ईमेल, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास ईमेल, एंड देन के बाद हमारे पास आएगा योर इन्फॉर्मेशन इज सेफ विद अस का पैराग्राफ, योर इन्फॉर्मेशन सेफ विद अस का पैराग्राफ, एंड देन हमारे पास आ जाएगा इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, और वैल्यू इसकी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, बल्कि वैल्यू इसकी नहीं होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, वैल्यू होगी इसकी, वैल्यू तो शो होगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे है गेट एक्सेस टुडे, गेट एक्सेस टुडे, एक्सेस टुडे, यानी सेव हो गया हमारे पास। सेव होने के बाद हम इसका प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं किस तरह से दिख रहा है अभी हमें। ओके, तो ये हमें इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसको करते हैं सेट। यहाँ पर जो है मैंने एक काम गलती कर दी कि मुझे इसको पैराग्राफ के अंदर लेना चाहिए था, ताकि ऑटोमेटिकली जो है इसकी लाइन ब्रेक हो जाती और दूसरे वाले को भी हम पैराग्राफ के अंदर ले लेंगे। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। अब हमें जो है क्या करना है कि इसको सेंटर में लेकर आना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेंटर में, तो मैं इसको सेंटर में लेकर आऊँगा। सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पर सेक्शन को जो है वो पढ़ूंगा यहाँ से, सेक्शन। ठीक है, और मैं इसको देता हूँ विड्थ 60% और मार्जिन दे देता हूँ इसको मैं सेंटर में लाने के लिए 0px ऑटो। ठीक है, अब देखते हैं सेंटर में आया या नहीं। ठीक है, सेंटर में आ गया है, पर ये मुझे फुली सेंटर में चाहिए, तो देखते हैं भाई फुल सेंटर में कैसे आएगा ये।
नहीं आ रहा ये सेंटर में। ठीक है, अब जो है मुझे इसको बोलना है कि सेक्शन के अंदर जो भी है चीज़ आपको मिलेगी उसको आपने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना है। ठीक है, सेंटर हो गया ये। और अब जो है वो मैं थोड़ी स्टाइलिंग करूँगा इसकी अपने फॉर्म की। ठीक है, इसका कलर यहाँ से पिक कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करें आप, उसको ऐड करते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आप इसे क्लिक करें, नहीं आ रहा कलर तो यहाँ पर लिखते हैं आप कलर को, इतनी इश्यू की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कलर लिखने के बाद आपने यहाँ से कलर पिक कर लेना है। कलर पिक कर दिया आपने और आपने बोलना है क्या कि आपका जो सेक्शन है ये 60% पे गया हुआ है, तो इसे 60% से हटा के हम जो वो तकरीबन 40 या 35% ले आते हैं। और अब देखते हैं इसको। ठीक है, अब ये सही है। ठीक है, तो अब देखें मैं इसके सेक्शन को मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ठीक है, यही कलर मुझे चाहिए था, लेकिन ये 35 भी ज़्यादा है, यहाँ से मैं इसको और कम करूँगा। ठीक है, और मैं इसको पैडिंग दूंगा यहाँ से 30px। ठीक है, और इसको और कम कर लेते हैं। ठीक हो गया, और पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, और बॉर्डर रेडियस देंगे हम इससे 20px से 30px। 20px ज़्यादा हो गया, 10px भी काफ़ी रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक हो गया, और इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और स्टाइलिंग जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और जो हमारा बैकग्राउंड कलर है इसको भी यहाँ से उठा के यहाँ पर हम इसे रख देते हैं। और हेडिंग और पैराग्राफ के जितने भी कलर हैं वो हम चेंज कर देते हैं। हेडिंग 1 आई थिंक मैं ली थी, हाँ तो हेडिंग 1 और कॉमा पैराग्राफ मल्टी सेलेक्टर सेम कलर हैश FFF। ठीक हो गया, सेम कलर आ गया। ठीक हो गया, और यहाँ पर जो है हम इसको ज़रा सा देखते हैं क्या मसला है। फ़ॉन्ट फैमिली हम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर हम कोरियर रख देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, और ज़रूरी है एक्जैक्टली सेम में इसको डिज़ाइन करूँगा, थोड़ा चेंज करने का मसला नहीं है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका जो है ना हेडिंग 1 का जो फॉन्ट वेट है मैं उसको बढ़ाता हूँ ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे, वो 900 कर देते हैं इसको। फॉन्ट वेट मैंने 900 किया है, तो ये हुआ है या नहीं ये चेक करते हैं कि मैंने तो किया इसे और ये हुआ क्यों नहीं। फॉन्ट वेट 900 हटाने पे अगर यहाँ पर बोल्ड लिखा जाए फर्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं। अच्छा खैर, अब हम मुझे इस फील्ड को थोड़ा सा ना पैडिंग देनी है कि बहुत बुरी लग रही है, तो मैं यहाँ से इसको गेट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं आपको बस। और यहाँ पे हम इसको देते हैं पैडिंग 20px, ज़्यादा ही हो गई है, तो 10px भी ज़्यादा है, 5px चाहिए। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10px ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि इसके साइड में बॉर्डर आ रहा है, सही है। तो बॉर्डर अगर आ रहा है तो हम करते हैं सॉलिड
हाईएस्ट है 0, बॉर्डर रेडियस नहीं होगा, बॉर्डर होगा सर। कुछ गलत हो गया, कुछ गलत, बॉर्डर रेडियस ही देना था, बॉर्डर रेडियस 5px। ठीक है, और अब जो है वो ये दोनों पे अप्लाई करना है, तो दोनों पे अप्लाई किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एक पे अप्लाई कर लेते हैं ज़रा सा, ठीक है। इस किसी से इसको यहाँ पे सेव रखते हैं, और मैं यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ ईमेल के ऊपर, और यहाँ पर क्लिक करने पे मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और दोनों को सेम चीज़ देनी है, तो यहाँ पर इसको सेव करके रीलोड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं बॉर्डर नन होता है इसका या नहीं, बॉर्डर नन हो गया, ठीक हो गया, बॉर्डर नन, बॉर्डर नन करना था मुझे, और यहाँ से बॉर्डर नन कर दिया इसका। और यहाँ पर मुझे प्लेस होल्डर चाहिए, प्लेस होल्डर के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, प्लेस होल्डर में हमारे पास क्या है, ईव्स है, मरी मेरे एड्रेस, ठीक है। फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक हो गया। और मज़ा नहीं आ रहा इसमें, पैडिंग और बढ़ाते हैं इसकी, अब सही है, ठीक है। पैडिंग तो मैंने बढ़ा दी है इसकी, और मैं जो हूँ इसकी विड्थ भी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि हम इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं या नहीं, ये देखें परसेंटेज में देंगे इसकी विड्थ, और इसको हम 100% देते हैं, ठीक है। 100% मैंने विड्थ दी है इसको, तो ये पूरा क्यों नहीं लिया इसने, यहाँ पे होवर करें, ठीक है गया। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और फिलहाल के लिए मैं इसको डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं कि ये क्या स्पेसिंग आ रही है यहाँ पे, कि क्यों जो है वो इस तरह से इसने बिहेव किया है। और देख सकते हैं आप कि ये जो ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये कंटेंट का एरिया है, यानी कंटेंट को इस ब्लू एरिया के अंदर रहना चाहिए, तो मैं इसकी विड्थ इतनी रखता हूँ कि ये इस ब्लू एरिया के अंदर ही रहे, इससे बाहर एक्सीड ना करे। तो अब ये देखें कि आपको ब्लू एरिया नज़र आ गया, ये हो गया 90%, ठीक है। दोनों साइड से जो है बराबर है, 90% हो गया, और ये हमारा फॉर्म तकरीबन रेडी होने के करीब पहुंच गया है। और ये बटन हमारा, इसको हम बटन को सेट करते हैं, बटन को भी पकड़ेंगे यहाँ से, और इसको हम कहते हैं पैडिंग 10px, ठीक है। बैकग्राउंड #000, ठीक है। और कलर जो है हम कलर इसका हम रखते हैं FFF, ठीक है। और बॉर्डर का करते हैं नन, ठीक है। और यहाँ से पैडिंग इसी थोड़ी और बढ़ाता हूँ, ठीक है, नन है, ठीक हो गया। और नन के बाद अंदर सही लग रहा है। और क्या करेंगे हम इसको, इसको ब्लैक कलर नहीं करता मैं, अगर मुझे कलर कम करना है तो मैं इसका कलर क्यों कम करूंगा, सही, पूरा डार्क ब्लैक नहीं, इतना सा ब्लैक, सही, ठीक हो गया, ओके। और यहाँ पर ला के इसकी CSS में इसको सेव करते हैं, बटन को भी, एंड दैट्स इट, ये हमारे पास हो गया सेव, और सही हो गया, हमारे पास बन गया फॉर्म हमारा रेडियो के तकरीबन। यहाँ पर अगर मुझे आइकन लगाना है, तो आइकन लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी हमें,
अच्छा जी, तो स्टार्टफोन और सम फॉर फ्री, तो फ्री में स्टार्ट करते हैं डाउनलोड ये रहा। फोन और सम डाउनलोड फॉर वेब, ठीक है, वेबसाइट के लिए मुझे चाहिए, तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। साइन इन टू डाउनलोड, ठीक है, और साइन इन एन अकाउंट, और यहाँ पर आपने साइन इन करना होगा। कहाँ से, किधर गया, साइन इन कैसे करें इसमें, एक्सप्लोर आइकन्स। अबे साइन इन करवा दो भाई, साइन इन, क्रिएट एन अकाउंट, एंटर योर ईमेल एड्रेस के, तो आइए vavizn115@gmail.com, ठीक है, ये ईमेल यहाँ पर एंटर करेंगे आप, एंड सेंड किट कोड, ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको मेल आनी चाहिए इनकी, फोनटोसम की मेल आ गई है, और यहाँ से हम कंफर्म करेंगे अपनी ईमेल, एंड देन हमें ये कह रहा है कि अपना नया पासवर्ड डालें। चलें, सेट हो गया पासवर्ड भी। फोनटोसम फर्स्ट यूज फॉर ऑनलाइन 2020, ओके, फोनटोसम आइकन मुझे चाहिए, मैं रॉकेट लॉक, ठीक है, सिक्योरिटी लॉक का मुझे चाहिए, कॉपी किट कोड, ऐड किट कोड टू अ प्रोजेक्ट, अभी किट कोड हैड, मेक श्योर यू, ठीक है, जब इन्हें बोला हेड के बाद आप इसे एंटर कर दें, ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पर हेड के बाद इसे जो है वो एंटर कर देते हैं, यहाँ पे करेंगे हमें दिख जाए, ठीक है, हेड के अंदर एंटर करते हैं इसका फोन रसम को, फोन रसम ऐड हो गया हमारे पास, और लॉक का आइकन उठाना है मुझे, मैं वैसे ही अभी डमी आइकन उठा लेता हूँ, देखता हूँ कि काम करता है या नहीं, आ गया लॉक के ऊपर आ गया, चलो चलो भाई, लॉक 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 लॉक, मैंने ट्रैवल तो नहीं लिखा, मैंने लॉक लिखा है, अच्छा लॉक के लिए उठा लेते हैं ये वाला आइकन, यहाँ से जब आप कोड उठाएंगे तो यहाँ पे अपने सिंपल क्लिक करना है, यहाँ पे कॉपी हो गया कोड आपका, और आप जाएंगे इसके अंदर, यहाँ पर इंफॉर्मेशन इस सेव में, तो बस अपने प्लेस करना है, और ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब मुझे जो इसका कलर चेंज करना है, वाइट की जगह मैं इसको गोल्डन लेता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, एंड देन प्लस पे क्लिक करेंगे, एंड देन जो इसका कलर चेंज करते हैं, मैं इसको 0 से हटा के, है 0 0 से हटा के मैं इसको, ठीक है, ओके, परफेक्ट, इसको सी एस एस उठा ली, इसको सी एस एस में जाकर पेस्ट कर देंगे, और ये हो गया आपका फॉर्म रेडी, परफेक्ट एंड लुकिंग वेरी नाइस। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे कोड पेन के अंदर, और वहाँ पर जाते हैं कोड पेन में, और यहाँ पर हम जो है अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर साइन अप करने के बाद
साइन अप विद गूगल बताओ यार, साइन अप विद ईमेल करते हैं। चलो नेम एहसान, सान क्रिएट बी एक्स आई जी एन, ईमेल पासवर्ड सबमिट, ठीक है सबमिट करेंगे और ये फिर हमें जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई फॉर्म की क्लास है हमारी द पेन एडिटर, ठीक है सेव। यहाँ पर आके हम इसको करते हैं फॉर्म बाय एहसान, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अपनी जो HTML है वो उसको यहाँ पे ऐड करेंगे और CSS को हम यहाँ पे, ये बता भी रहा है कि अपने CSS यहाँ पर ऐड करनी है सारी, ठीक है। तो HTML का जितना भी कोड है हम उसको उठाएंगे यहाँ पर, उठा के ले आएंगे, एंड CSS का जितना भी कोड है उसको उठा कर हम जो है वो यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। इसको क्या हो गया, अच्छा जी ये इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है, ये इस तरह डिस्प्ले क्यों कर रहा है कि हेडिंग वन है तो हेडिंग वन को हम फॉन्ट साइज दे देते हैं साइज 20px, ठीक है। और सेव करते हैं, सेव हो गया, बाकी तो चीज सही आ रही है। और सेव होने के बाद ये अच्छा जी फॉर्मेट कोड फॉन्ट साइज चेंज क्यों नहीं हो रहा। अच्छा एक काम हम ये कर सकते हैं कि मैंने तो फॉन्ट साइज इतना दिया नहीं, इतना ज़्यादा क्यों पकड़ रहा है इसको, कितना उठा रहा है ये चेक करते हैं। इसको यहाँ पर इंटर करेंगे और यार हेडिंग वन के ऊपर लैंड हुआ सीधा और इसने यहाँ पे 6VW उठाया है इसने, पर मैंने 6VW तो नहीं दिया, कुछ 6VW दिया ही नहीं। तो मैं इसको जो है वो 1VW दे देंगे हम इसको यहाँ, ठीक है 1VW, ठीक हो गया। देखते हैं क्या काम करता है, ठीक। अब इसको क्या हो रहा है, पकड़ के नहीं रहा इसको। और तो मैंने दिया नहीं है इसको, फोन से परसेंटेज में देके देखते हैं क्या है। ओके ओके सेव सेव पेन सेव। अच्छा जी एरर किस चीज़ का आ रहा है, जस्ट HTML दैट गोज इन द बॉडी गोज हियर। अच्छा कि बॉडी के अंदर जो कंटेंट है वो ही सिर्फ यहाँ पे लिखा जाएगा, सब नहीं लिखना आपने, बॉडी के अंदर जितना है आइटम वो आपने सिर्फ लिखना है यहाँ पे। वो एरर दे रहा था, वो एरर तो चला गया, ठीक है। और ये अभी भी इतना ही आ रहा है, 1%, नॉट इम्पोर्टेंट लगा देते हैं, देन सेव करते हैं। चलो तो भाई सेट हो जाओ, हो जाओ जाओ सेट हो जाओ, नहीं वाला सेट डॉक्यूमेंट H1, ये देख यहाँ से उठा रहा है इसको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आ गई थी, मैंने ऐड नहीं की थी, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे ऐड, इसको भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बिल्कुल नॉर्मल सही आएगा, ठीक है सही आ रहा है। तो हमारा कोड सेव हो गया, इस कोड को जब सेव हमने किया तो ये जो कोड विद हमने सिखाया, टास्क दिया था इन्होंने और हमने उस टास्क को पूरा कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, फिर
इज द एन पोर्टलिंग, ठीक है, और कंट्रोल इंटर एंड दैट्स इट। वीडियो सेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।